गुड मॉर्निंग एवरीवन आज अध्याय समस्त को स्वागत प्रथम अध्याय आम पढ़ी सरल सह समीकरण विषय वर्तमान आम तार एक्सरसाइज करिबा एक्सरसाइज 1.8 एक्सरसाइज 1.8 रो मु प्रत्येक रो गोटे गोटे क्वेश्चन करेबी तमे घरे सब अन्य गुडी को प्राक्टिस करिबो किछ डाउट हेले नेक्स्ट क्लास रे पचारिबो एक नंबर क्वेश्चन रो फर्स्ट बिट ता देछि x + y = 0 समीकरण रो अन्यतम समाधान कोन समाधान पचारछि समाधान माने समीकरण रो समाधान अर्थ कोन x एपर साइड जहा थिवो सेपर साइड से या हाव दरकार यदि एपर साइड 0 अछि x + y रो मूल्य केते हेले तार उत्तर शून्य होबो ताहले तुमको ऑप्शन ने कोन देछि 4 5 देछि आउ कोन देछि 5 5 देछि आउ कोन देछि माइनस 4 4 देछि आउ कोन देछि माइनस 4 5 देछि 4 5 होबो नै काहे कि 5 4 9 होउनी 5 5 होबो नै 5 5 10 माइनस 4 4 होउछि काहे कि माइनस 4 युक्त प्लस 4 समान केते 0 जहा माइनस 4 5 होबो नै कारण उत्तर 1 बाहरिबो बुझ पाइल एही परि भाबरे करिवो आ गोटे देछि फोर्थ बिट रे x minus 4y plus 1 equal to 0 हेले x रो मूल्य केते हबो x रो मूल्य केते हबो ताहले x रो मूल्य केते हबो एपटे minus 4y अछि सेपटु गले केते हबो 4y एपटे plus 1 अछि सेपटु गले केते हबो minus 1 ताहले x रो मूल्य केते हला 4y minus 1 सेमि परीक्षा पचाथियो y रो मूल्य केते हबो y रो मूल्य सेमि केते हबो ना माइनस फोर वाई छि सेपटु गले केते हि जीव प्लस फोर वाई फोर वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू केते हबो एक्स प्लस वन बाई फोर वाई इक्वल टू केते हबो एक्स प्लस वन बाई फोर बुझि पाइल एक नंबर एहिपरि भावे एक्स और वाई रो मूल्य निरूपण करि दुई नंबर देछि निम्न रे थिबा समीकरण जोड़ी रु जेउ समीकरण जोड़ी क्षेत्र रे अनन्य समाधान संभव असंख्य समाधान संभव ओ समाधान संभव नुहे पचाछि कोन कहिछि माने कर दुई नंबर गोटे बिट करूछि माने कर सेकंड बिट ता करूछि x + y + 1 = 0 देछि 2x + 2y + 2 = 0 देछि आ एई थ्रू आमे निर्णय करिबा एईटा एई समीकरण द्वय परस्पर अनन्य कि नुहे किंबा समांतर कि नुहे किंबा किंबा कोन असंख्य समाधान असंख्य समाधान होची कि ना तमु कहिछि आरो सूत्र आमे समीकरण दुटा खास देखि कि किमिति कहि परिबा कि परि देखि कहि परिबा मन रखिछ कोन a1/a2 काढिबा b1/b2 काढिबा आउ c1/c2 काढिबा प्रथमे a1/a2 केते हबो एथे a1 केते सॉरी एके b1 केते एके c1 केते एके एई समीकरण रे a1 केते 2 b1 केते 2 c1 केते 2 ताले a1/a2 केते हला 1 विभक्त को 2 b1/b2 केते हबो 1 विभक्त को 2 c1/c2 केते हबो 1 विभक्त को 2 अर्थात a1/a2 समान b1/b2 समान c1/c2 अतएव एई समीकरण दो परस्पर कोन हबो परस्पर असंख्य समाधान संभव असंख्य समाधान संभव ता तीनटांग समान माने या परस्पर को गोटिए सरल लेखा रे अवस्थापन करिवे जि पाइल ताले यार असंख्य समाधान संभव आ गोट एग्जांपल नउ छी माने कर दुई नंबर रो 6 बिट कोन कहू छी 2x - y + 3 = 0 आ गोट दे छी केते - 6x + 3y + 5 = 0 एतरे सेमती काड a1/a2 केते हबो 2/-6 किंबा 2 के 2 2 3 6 -1/3 b1/b2 केते हबो -1/3 c1/c2 केते हबो 3/5 एथिरे कोन हला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अछि अर्थात समीकरण द परस्पर कोन समांतर किंबा असंगत बुझी पाइल एउटा सब मने रखिबो तीनटा फार्मूला कहिछि तीनटा फार्मूला मने रखिले किछि भी क्वेश्चन करि परिबो तीन नंबर क्वेश्चन कोन देछि
निम्न समीकरण गुड़ी को लेखचित्र अंकन पाई जे कौनसी तीनोटी बिंदुर स्थानांक निरूपण कर। तीनटा बिंदुर स्थानांक पचारि स्थानांक पचारि माने स्थानांक पचारि माने कौन ना एक्स वाई रो बिंदुर मूल्य तीनटा एक्स वाई रो मूल्य निरूपण करने को पचारि ता अर्थ कौन मना कर गोटे एग्जांपल करू छी छ बिटटा करू छी 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एथिरे तमे गोटे एमटी टेबल करिवो x ओ y लिखि देलो x रो मूल्य माने कर फर्स्ट 1 के लिखिलो ताले 2x एटा की परि करिवो 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 होले y केते हबो 2x प्लस 4 y केते हबो 2x प्लस 4 वर्तमान y रो मूल्य 1 के पाई y रो मूल्य 1 के पाई x रो मूल्य केते हबो 2 के 2 युक्त 4 समान 6 बुझिलो y रो मूल्य मन कर 2 पाई x रो मूल्य केते हबो 2 दुने 4 4 8 जी पाइलो y रो मूल्य मन कर 0 पाई x रो मूल्य केते हबो सॉरी हम भूल कोची मन कर x रो मूल्य 1 के पाई सॉरी एटा भूल कर ली x रो मूल्य 1 के पाई y रो मूल्य हबो 2 के 2 4 6 बुझि पाइलो वर्तमान x रो मूल्य 2 लिखिबि यदि x रो मूल्य 2 यदि लिखिबि y रो मूल्य केता हबो 2 दुने 4 4 8 बुझि पाइलो x रो मूल्य माने कर 0 लिखिलि y रो मूल्य केता हबो 4 y रो मूल्य केता हबो 4 ताले 0 1 2 पाई 4 8 6 वर्तमान सेटा को लेख चित्र माध्यम रे किपर दर्शैबो माने कर एठ लिखि देलो 0 1 2 3 4 इति मन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 बुझि पाइलो वर्तमान x रो मूल्य 0 पई y रो मूल्य केते 4 4 माने ए पॉइंट ता पर x रो मूल्य 1 पई y रो मूल्य 6 x रो मूल्य 1 पई y रो मूल्य केते 6 माने ए पॉइंट एटा x एटा होचो y x रो मूल्य 1 पई y रो मूल्य 6 माने ए पॉइंट x रो मूल्य तापर 2 पई y रो मूल्य 8 x रो मूल्य 2 पई y रो मूल्य 8 माने ए पॉइंट बुझि पाइलो वर्तमान तीनटा को संयोग करिवो वर्तमान तीनटा बिंदु काली काडिले कि नाही एटा गोटे सरल रेखा एटा गोटे सरल रेखा अंकन कर बुझि पाइलो बुझि पाइलो एई परि तमे लेख चित्र माध्यम रे दर्शाइबो बुझि पाइलो 3 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि वर्तमान 4 नंबर 4 नंबर कोन दैछि निम्नलिखित प्रश्न गुडीक संक्षिप्त उत्तर आवश्यक कोन संक्षिप्त उत्तर पचाछि पचाछि माने करो kx a के बिटटा कोन दैछि kx plus my plus 4 equal to 0 2x plus y plus 1 equal to 0 समीकरण द्वय असंगत हेले ऑलरेडी देइ दैछि कोन है असंगत असंगत माने कोन हमर फार्मूला आखी बुझि कि a1 by a2 = b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हेले k is to m केते हबो k is to m केते हबो अर्थात k by m रो उत्तर केते k is to m माने k अनुपात m किबा k by m k by m रो उत्तर केते हबो ताले a1 एथि केते k a2 केते 2 k by 2 समान b1 केते m सम विभक्त क b2 केते a k not equal to c1 by c2 c1 टा केते 4 विभक्त क a k बुझि पाइलो 4 विभक्त क a that implies ए पटा को आउ नॉन लेले भी चलिबो एति कि नेले k by 2 is equal to m by 1 that implies k by m is equal to 2 by भक्त क a k m टा एपुरु पहिला 2 टा सेपुरु पहिला बुझि पाइलो k by m equal to 2 by a k समान 2 is to 1 अर्थात k is to m equal to 2 is to 1 2 is to 1 बुझि पाइलो ती जिंस वर्तमान आउ गोटे दैछि 3 नंबर 2 नंबर सेकंड बिट दैछि सेकंड बिट कोन कहिछि सेकंड बिट कहूँची 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, 7x minus 6y minus 1 is equal to 0. समीकरण द्वयर समाधान 1, beta
हेले बीटा केते हो बीटा केते बचार छ 1 कमा बीटा समाधान देई छ समाधान माने x रो मूल्य दे देई छ 1 के y रो मूल्य दे देई छ केते बीटा बुझि पाइलो ता अर्थ कोन x मूल्य रे 1 के पकेइबो 2 के 2 युक्त 3 बीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एति भी सेम ति पकेले चलिबो 7 के 7 माइनस 6 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज 3 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इंप्लाइज 3 बीटा इक्वल टू 3 दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 3 बाय 3 समान 1 एपटे मध्य उत्तर देखियो सेति कि आसीओ काहे कि यहार केवल गोटिए स्वतंत्र मूल्य बाहरु छि ताले एटा केते होबो 6 बीटा इज इक्वल टू 6 दैट इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 6 बाय 6 इक्वल टू 1 अतए बीटा रो मूल्य केते बाहला 1 बीटा रो मूल्य 1 बुझि पाइलो वर्तमान 3 नंबर बिट देइ छि कोन टी रो केउ मान पाइ 1,1 समीकरण समीकरण 3x plus ty minus 6 is equal to 0 t रो मूल्य केते हबो पचाछि ताले 3x plus ty minus 6 equal to 0 रो समाधान केते ऑलरेडी दे देछि x रो मूल्य 1 दे देछि y रो मूल्य मध्ये 1 दे देछि वर्तमान x ओ y जगह 1 पकाओ ताले 3 के 3 plus t minus 6 is equal to 0 That implies t is equal to 6 minus 3 समान 3 अतः t रो मूल्य 3 पाई यह समीकरण t रो उत्तर संभव किमा समाधान संभव बुझि पाइलो वर्तमान आ गोट एग्जांपल करू छी 6 बिट 6 बिट दे छी कोन 6 बिट कोन दे छी दर्शाओ जे 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 आ कोन 2x minus y plus 9 is equal to 0 समीकरण द्वयर समाधान असंभव 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 माने कोन समांतर समांतर ता अर्थ कोन c यदि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 हला ताले आमे जानिया समाधान असंभव बोली ताले टी a1 केते 6 by A2 केते 2 equal to B1 केते minus 3 B2 केते minus 1 is not equal to C1 केते 10 C2 केते 9 that implies 3 is equal to 3 is not equal to 10 by 9 is not equal to 10 by 9 अतए यहा satisfy कला अतए एई समीकरण द्वय परस्पर परस्पर समाधान कोण असंभव अर्थात यहा द्वय परस्पर कोण समांतर बुझि पाइल वर्तमान 5 नंबर क्वेश्चन देछि लेख चित्र अंकन करी निम्नलिखित समीकरण रा समाधान निर्णय कर माने कर गोटिए मु करै दउ छी अन्य उडा को तमे निजे करिवो माने कर x टा करू छी 5 नंबर x बिट 2x minus 3y minus 5 equal to 0 आउ कोन गोटे देछि माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0 प्रथम प्रथम एई समीकरण रे लेख चित्र अंकन करिवो सेति पई x ओ y रो मूल्य निर्णय करिया संभव ताले x ओ y रो मूल्य कि परि निर्णय करिवो ना लेखिवो जे 3y समान 2x माइनस 5 दैट इंप्लाइज y इक्वल टू 2x माइनस 5 बाय 3 y रो मूल्य एठी एती बाल एठी सेमती 6y समान 4x plus 3 that implies y equal to 4x plus 3 by 6 4x plus 3 by 6 वर्तमान प्रथमे x रो मूल्य यदि मु केते नेली माने कर 0 नउच 0 नउच ताले y रो मूल्य केते हबो minus 5 by 3 minus 5 by 3 पर ता पर x रो मूल्य 1 नउच 1 नेले y रो मूल्य केते हबो 2 के 2 minus 5 केते हला minus 3 by 3 समान minus 1 ता पर x रो मूल्य माने कर 2 नुच
2 notes. ताले के तला 2 दुने 4 minus 5. ताले के तला minus 1 by 3. Minus 1 by 3. Second खेत्र रे. एई खेत्र रे. X रो Y रा मुल्ल के तब. X Y. X प्रथमे मने कर 0 notes. Y रा मुल्ल के तब. 3 by 6. माने 1 व्यक्त को 2. तापर X रा मुल्ल 1 के मने कर नोच. 4 के 4 तीनी 7 by 6. 7 by 6. तृतीय क्षेत्र x मूल्य मन को 2 नो 4 2 8 प्लस 3 11 बाय 6 वर्तमान ताकू लेख चित्र रे किमिति दर्शाइबो देख लेख चित्र रे किपर दर्शाइबो एटा x एक्सिस नै गली एटा y एक्सिस नै गली एटा मन कर 0 एटा 1 2 3 4 ए परसेंट 1 2 3 4 बुझि पाइलो 1 2 3 4 बुझि पाइलो प्रथम x रा मूल्य 0 पई y रा मूल्य -5/3 माने एटा तळु को अछि -1 -2 एपर सेमती -1 -2 प्रथमे x रा मूल्य 0 पई y रा मूल्य -5/3 माने एटा को दशमिक रे परिणत करले केते हबो -1.3 के 3 2 कोडिए 300 1.6 समथिंग होछ ताले 1.6 माने ए पॉइंट एटा दि माइनस 1 एटा माइनस 2 हला 1.6 कोडा हबो ए पॉइंट हबो बुझ पाइलो ता पर x रा मूल्य 1 के पाई y रा मूल्य माइनस 1 x रा मूल्य 1 के पाई y रा मूल्य माइनस 1 माने ए पॉइंट बुझ पाइलो ए पॉइंट ता पर x रा मूल्य 2 पाई y रा मूल्य माइनस 1/3 माने -1/3 माने माइनस 0.6 -0.6 ताले 2 पाई माइनस 0.6 ताले ए पॉइंट वर्तमान एटा को तमे अंकन कर गोटे सरल लेखा आ मध्ये दे गोटे सरल लेखा एंति अंकन बुझि पाइलो तापर नेक्स्ट x रा मूल्य 0 पाई y रा मूल्य 1 के विभक्त को 2 x रा मूल्य 0 पाई y रा मूल्य 1 के विभक्त 2 माने ए पॉइंट x रा मूल्य 1 के पाई y रा मूल्य 7/6 माने 1.1 1.1 माने ए पॉइंट माने करे ए पॉइंट तापर x रो मूल्य 2 पाई 2 पाई y रो मूल्य केते हबो 11/6 माने 1.8 हंडा हबो 2 पाई 1.8 माने ए जगह बुझ पाइलो त एटा गोटे सरल लेखा एंती अंकन कर एटा को नेकी गोटे सरल लेखा एंती अंकन कर त एटा रे देख एमते सरल लेखा अंकन कर ता परे तमे सेही निज आडू करि परिबे कोन ना a1 by a2 b1 by b2 एवं c1 by c2 रो मूल्य केते a1 by a2 केते 2 by minus 4 समान केते हला minus 1 by 2 b1 by b2 केते हला minus 3 by 6 ताले minus 1 by 2 c1 by c2 केते हला minus 5 by minus 3 ताले केते हला 5 by 3 बट वन ए1 बाय ए2 इज इक्वल टू बी1 बाय बी2 हला बट नॉट इक्वल टू सी1 बाय सी2 हबो अर्थात एई समीकरण द्वय परस्पर कोण समांतर लेखियो कोण समांतर बुझि पाइलो समीकरण द्वय परस्पर समांतर देखु छ किछि मिसुनी त मु जेतु एटी सरल लेखाटा माने आ कलम रे काटी छी त ठीक से सरल लेखा हेइनी नहले एक्चुअली तमे त पेन सॉरी पेंसिल आ स्केल माध्यम ने काटिबो या द्वय परस्पर समांतर हेबे बुझि पाइला ती जिंस वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै छी नेक्स्ट क्वेश्चन कोउची 6 नंबर रो फर्स्ट माने कर मु थर्ड बिट ता कर छी लेख चित्र सहायता रे दर्शाओ जे 9x 9x plus 3y plus 12 is equal to 0 एवं 18x plus 6y plus 24 is equal to 0 समीकरण द्वय संगत ओ निर्भरशील संगत ओ निर्भरशील निर्भरशील अर्थ कोण a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 एटा अर्थ होची संगत ओ निर्भरशील एटा को फर्स्ट तमे काटी दियो a1 by a2 माने कोन 9 by 18 b1 by b2 केते 3 by 6 c1 by c2 केते 12 by 24 ताले a के विभक्त को 2 एटा केते a के विभक्त को 2 एटा केते a के विभक्त 2 अर्थात तीनटा अंक परस्पर समान
ତାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦର୍ଶାଇବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବକ୍ସ ଆକାରରେ ଦେଖେଇବି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ଲେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 3y ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 12। ବୁଝିପାରିଲ? ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 9x ପ୍ଲସ୍ 12 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ଯଦି 3 କମନ୍ ନେଇଗଲ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3y ପ୍ଲସ୍ 4, 3 ସରି 3x ପ୍ଲସ୍ 4, ବିଭକ୍ତକ 3, ଏଠି 3 3 କଟିଗଲା, ସରି 3 3 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 18x ପ୍ଲସ୍ 24/6 ହେଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏଠି 6 କମନ୍ ନେଇଗଲେ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4, ବୁଝିଲ? ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଲା, ଏଠି ବି ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4 ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମୁଁ ଅଙ୍କନ କଲି ବି ରେଖଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର 0 ପାଇଁ, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ 4। ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର ତମ ନେଇଯାଅ ମାଇନସ୍ 2, ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 1 ପାଇଁ ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 4 ମାନେ 1, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 1। ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ମନେକର ନେଇଯାଅ ତମେ 2 ଅର୍ ମାଇନସ୍ 2, ତାହେଲେ 3 ଦୁଇ ମାଇନସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 4 2, ମାଇନସ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ 2। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ତୁ ଜିନିଷ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। କିପରି ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ? ଏକ୍ସ ୱାଇ 0, 1, 2, ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 2, 1, 2, ମାଇନସ୍ 1, ମାଇନସ୍ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ନିଜେ। ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ 0 ପାଇଁ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 4, ମାଇନସ୍ 4 ମାନେ ମନେକର ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 3, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ 4, ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 1 ପାଇଁ, ମାଇନସ୍ 1 ପାଇଁ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 1 ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। ତାପରେ ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 2 ପାଇଁ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ 2, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 2, 2, 2 ମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଳ ଲେଖାଟି ଏହିପରି ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସରଳ ଲେଖାଟି ଏହିପରି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରଳ ଲେଖାଟି ଆ ଦେଇକି ଗତି କରିବ, କାରଣ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଏଠି ବି ମାଇନସ୍ 3x ପ୍ଲସ୍ 4 ଅଛି। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରଳ ଲେଖାଟି ମଧ୍ୟ ଆହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଅତଏବ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଝିପାରିଲ ଏତିକି ଜିନିଷ? ତାପରେ ସାତ ନମ୍ବର, ସାତ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ। ସାତ ନମ୍ବର କହୁଛି ତମକୁ ନା ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେ ର ମାନ ସମ୍ଭବ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲେ, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଅନନ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, ଏତିକି ହେଲେ କେ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ମନେକର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଉଛି, 6 ବିଟ୍ଟା ନେଉଛି, 4x ମାଇନସ୍ କେ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଦେଇଛି 2x ମାଇନସ୍ 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 12। ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଥିଲେ ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଶୂନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 4x ମାଇନସ୍ କେ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, 2x ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 12 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ହେଲା। ଏଇଟା ସମୀକରଣର ସହଜ ରୂପ। ତାପରେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ କେତେ ହେବ? 4/2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ କେ ବାଇ ମାଇନସ୍ 3, ମାଇନସ୍ 3 ମାଇନସ୍ 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 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ 4/2 କେତେ ହେଲା? 2, 2 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେ ବାଇ 3, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6, କେ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 6। ଅତଏବ କେ ର ମୂଲ୍ୟ 6 ଛଡ଼ା,
6 छड़ा अन्य जे कोनोसी मूल्य पाई जे कोनोसी मूल्य पाई या कोन हबो अन समीकरण द्वयर अनन्य हेबे बुझी पाइलो बुझी पाइलो तापर 8 नंबर क्वेश्चन देछि निम्नले थिबा समीकरण द्वयर असंख्य समाधान हेले असंख्य समाधान हेले असंख्य समाधान समाधान हेले असंख्य समाधान माने कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 हेले पचाची k रो मूल्य निरूपण कर सेमती गोटे एग्जांपल लेछि माने कर गोटे एग्जांपल लउछि फोर्थ बिट ट्रा 2x plus 3y equal to 5 6x plus ky equal to 15 that implies 2x plus 3y minus 5 equal to 0 it is empty 6x plus ky minus 15 equal to 0 that implies a1 by a2 a1 is 2 by a2 kete 6 is b1 by b2 kete b1 3 b2 kete k is equal to 3 by k is equal to c1 kete minus 5 by minus 15 tara minus minus kotila 2 by 6 mane kete 1 by 3 is equal to 3 by k is equal to 1 by 3 ताले एटा कुनियो that implies 1 by 3 equal to 3 by k that implies k is equal to 9 एटा कुनियो सेम्ती जदी नभो 3 by k is equal to 1 by 3 that implies k equal to मध्य एठी भी 9 बाहरी बो मुझी पाईलो अत्ता एप k रो मुल्य 9 पाई एई समीकरण तो यर असंख्य समाधान है मुझी पाईलो ता परे लास्ट क्वेश्चन देछि 9 नंबर के रो केउ मूल्य पाए निम्नरे थिबा दत्त समीकरण द असंगत हेबे असंगत हेबे असंगत माने कोन a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 एटा को जे कोन असंगत हेले के रो मूल्य केते हबो पचास माने कर एउटा एग्जांपल लउची से 6 बिट कोटे लउची 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 आउर देछि kx plus 3y minus 5 is equal to 0 ताले एठी a1 by a2 केते हला 3 by k is equal to b1 by b2 केते हला minus 4 by 3 is not equal to c1 by c2 केते हला 7 by minus 5 ताले प्रथमे एथिरे नेले हमर k रो मूल्य काढी जाउछ ताले केते होउछ 3 by k is equal to minus 4 by 3 that implies k is equal to 9 by minus 4 बुझी पाइलो k is equal to 9 by minus 4 समान केते हला किंबा अतएव k रो मूल्य minus 9 by 4 पाई k रो मूल्य minus 9 by 4 पाई तमर कोन होबो समीकरण द्वय असंगत है बुझी पाइला ती जिंस तो एही परि भाव रे तमरे अनुशीलनी 1.a रो 1 नंबर रु 9 नंबर पर्यंत क्वेश्चन आंसर करिवो किछि डाउट हेले आमी नेक्स्ट क्लास से आलोचना करिबा आज पई एतिकी धन्यवाद।